कुछ घुस गया है और मैं बहुत वी आर सेपरेटेड गाइस नाउ तो हेलो गाइस दिस इज मी मानसेरा फ्रॉम बिहार एज यू ऑल नो एंड इफ़ यू गाइज डोंट नो तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मैंने सी यू टी का एग्ज़ाम दिया था एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर सी यू एस बी गया मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया फॉर एम एस डब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क. तो हालांकि आई एम साइकोलॉजी स्टूडेंट बट मैंने थोड़ा एनालाइज करा तो मुझे एम एस डब्ल्यू करना था इसलिए मैंने एम एस डब्ल्यू में एडमिशन ले लिया साउथ बिहार में गया मैं. ये यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और दीदी ने भी एग्ज़ाम दिया था इसका तो दीदी को वापस से बीएचयू मिल गया. वो बीएचयू में चली गई वो वहीं से कंप्लीट करेंगी अपना एमएड और मैं आगे अपने मास्टर्स के लिए गया मैं. तो आई एम गोइंग टू स्टे इन द सी यू एस बी हॉस्टल. हालांकि मैं व्लॉग में दीदी को भी रहना था दीदी के साथ ही इंट्रो शूट करना था मुझे बट टाइम नहीं मिल पाया सब गड़बड़ गड़बड़ हो गया तो मैं ये इंट्रो भी मैं हॉस्टल से शूट कर रही हूँ. तो वी आर सेपरेटेड गाइज नाउ तो मैं छाया को बोलूँगी छाया प्लीज़ तुम दीदी का ध्यान रखना एंड आई नो तुम रखोगी मुझे पता है. सो बस थोड़ा सा दुख है इस बात का कि हम दोनों सेपरेट हो गए हम दोनों साथ रहते थे दीदी को अब वहाँ अकेले रहना पड़ेगा और खुशी इस बात की कि चलो फाइनली एडमिशन मिल गया कहीं. तो बस ये व्लॉग होने वाला है कि मैं हॉस्टल जा रही हूँ मैं कैसे जाऊँगी कैसे क्या होगा. तो थोड़ा थोड़ा पैकिंग का भी क्लिप शूट करा है तो आप लोग देखो आप लोग को अच्छा लगे तो देखते रहना चलते हैं आगे. एंड वन थिंग अगर आप लोग में से कोई ऐसा देख रहा है जिसने भी सी यू टी एग्ज़ाम दिया था आप लोग किस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए आप लोग को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिली या नहीं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. क्योंकि मुझे तो मेरा सेकंड प्रेफरेंस मिला फर्स्ट बीएचयू था सेकंड ये था तो ये मिल गया एंड आई एम हैप्पी. जब मैं यहाँ पे आई मैंने देखा चीज़ों को तो आई एम हैप्पी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट तो मैं यहाँ के और भी ब्लॉग्स बना सकती हूँ अगर आपको देखना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड आई नो आई एम लुकिंग टायर्ड बिकॉज मैं पूरे दिन इधर उधर 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 कर करके फिर ये इंट्रो शूट कर रही हूँ ना इसलिए मेरे डार्क सर्कल भी दिख रहे होंगे. तो विदाउट एनी फर्दर डीले हम लोग व्लॉग को शुरू करते हैं. ओके गाइस ये हॉस्टल का पैकिंग हो रहा है. हॉस्टल जाने के लिए लोग ऐसे पैक करते हैं देख लीजिए. और दी प्लीज़ आप मेरा ये धो दीजिए दी प्लीज़ ठीक है धो देंगे लेकिन एक साथ क्या इनको पहन के मेरा कुर्ती तो ठीक है इसको पहन पहन के रोओगी. हम बहुत रोएंगे हम अभी ज़रूर. और सुनिए अब आप हम लोग का सेपरेशन हो रहा है आपको कैसा लग रहा है. मुझे बहुत खुशी हो रही है. अच्छा वो तो मैं दिखाऊंगी गाइज आप लोगों को आप लोग बस व्लॉग में बने रहिएगा. खाने वाला नहीं रहेगा खाने के लिए कुछ टोकने वाला नहीं रहेगा खाने का इंतजाम कि बाहर का चाटने वाला वो तो पता चलेगा आपको. पैसे ही नहीं भेजा जाएगा आप कहाँ से बाहर खाएंगी. अरे व्लॉग चल रहा है पागल लोग कहेंगे कि चेंजिंग रूम यही बना दो. हालांकि ये अपना नॉर्मल टी शर्ट में है गाइज. तो अभी आपको कैसा लग रहा है हम लोग जा रहे हैं. मेरे दिमाग का ना सलका हो जाएगा और जो पैसा भेजना पड़ेगा तो गर्म हो जाएगा अच्छा आप खुश नहीं है क्या हम लोग जाने से मतलब जाने से खुश हैं. जाने से खुश हैं पढ़ाई करो लोग अच्छा जॉब करो लोग तब और खुश हो जाएंगे. भरोसा नहीं है क्या आपको. हमें हमारे बच्चों को पूरा भरोसा है कामयाबी हासिल करके. और बस इतना बोल दी तब तुम लोग रोने लगेंगे. दी ए दी रोइए हम क्यों रोए देख रही है ना. हाँ हम तो रोए भी करेंगे मैं होगा ना. हाँ गाइस देखिए मेरी मम्मी व्लॉग टाइम ऐसा लगता है भाषण देने बैठी हैं ऐसे सोच सोच के बोलती हैं. मौसी का ही है ना कि जो पंडित जी बता रहे हैं उसको लोग नहीं पहनेंगे तो परेशानी आती रहे. नहीं अंगूठी मंगूठी नहीं पहन. एंड गाइस दिस इज माय फेवरेट डायरी जो कि मैं अपने लिए जाऊंगी एंड माय क्यूटी क्रम बुक. मेरे आंख में कुछ घुस गया है अरे मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ मुझे पता है. तो मेरी माँ बोल रही है ये अंगूठी वंगूठी पहनने के लिए ऐसा भी होता है क्या. अच्छा आप लोग बताइए मुझे कमेंट में कि कुछ होता है ये सब चार तरीके का रिंग पहन के क्या होता है हमें बताइए. तो ग्रह नक्षत्र जो होता है उसके लिए थोड़ा बहुत उपाय किया जाता है. हाँ ग्रह नक्षत्र काम करेगा हम लोग खुद ही ग्रह को ग्रह बन जाएंगे. खुशी छूट गई थी हमारे व्लॉग में गाइस तो खुशी दौड़े दौड़े आई है दीदी वीडियो बना ली. चलो बोल लो. हमेशा बोलती थी जब भी सो के उठती थी अभी मेरा हमको भी कॉलेज मिल जाता हमको भी हम भी ऐसे पैकिंग करते वैसे पैकिंग करते. फाइनली इनका कॉलेज मिल गया जाइए अब. मैनिफेस्टेशन वाला कॉलेज मिला है कॉलेज छूट छूट के लास्ट में मिल ही गया.
तो ये मैनिफेस्टेशन सबको इतने आंखों पर नजरों से दिखा दिया कि आंख ही लाल हो गया पूरा। हाँ इतना मैं खुश हूँ कि मेरा आंख लाल हो गया। कॉलेज छूट छूट के मिलने वाला घमंड है मुझे गाइस, मजा के क्या। हॉस्टल का पिकनिक फूड बनता चल रहा है, हॉस्टल में हम लोग पिकनिक करने जा रहे हैं तो ये सब बन रहा है। और ये है मिस्टर अमन, सेफ अमन, जो कि बना रहे हैं अपनी, देखिए इनकी कला देखिए जरा, बस आप लोग कला पे ध्यान दीजिएगा कहीं और मत ध्यान दीजिएगा। और इनके साथ साथ ये मिस्टर चूंटे महराज भी इनका हेल्प कर रहा है बनाने में। तो अमन बताइए आपका राज क्या है, इतने टैलेंटेड कैसे हुए आप बताएं? सब कुछ नहीं आता है, पैसा दो तमाशा देखो, पैसा दो तमाशा देखो। इतने टैलेंटेड मेरा भाई है, इतना मेहनत से काम कर रहा है। देखिए काम करने का तरीका, कभी जिंदगी में हम लोग अगर भूल के रेस्टोरेंट खोले तो लोग हम लोग का अनहाइजेनिक बोल के हम लोग के ऊपर केस कर देंगे। The next day. वहाँ से फिर हम लोग को ऑटो पकड़ना, फिर उसके बाद और अंदर जाना है, तो बहुत अंदर यूनिवर्सिटी है। जंक्शन से कॉलेज के लिए ऑटो ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पे पर पर्सन ऑटो का फेयर है 30 रुपीज़ टू रीच यूनिवर्सिटी। और रास्ते में ऑलमोस्ट ऐसी ग्रीनरी देखने को मिलेगी आपको, और आज की ग्रीनरी थोड़ी टूटी गिर गई यार, कॉलेज स्टार्ट हुआ और घड़ी टूट गई। फिर बीच बीच में थोड़े बहुत गाँव भी दिख जाएंगे आपको, थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स, कुछ कॉलेजेस हैं छोटे मोटे। तो सारा रास्ता ऑलमोस्ट ऐसा ही है स्टेशन से यूनिवर्सिटी पहुंचने का, और यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी शुरू हो चुकी है। एंड हियर वी रीच यूनिवर्सिटी का फ्रंट गेट, उसके बाद फिर ऑटो लेके हम लोग अंदर गए, वहाँ डिपार्टमेंट में सामान रखा, फिर हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने थे वो करा, और फाइनली सो गाइज आफ्टर पता नहीं कितना पेपर वर्क फाइनली हॉस्टल अलॉट हो गया। बस रूम देखने जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग सूख सूख के पापड़ बन गए आप दिखाई, तो एक गड़बड़ और 10 घंटे से फॉर्म भरा गया। सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ अपना हॉस्टल का रूम देखने, पेरेंट्स को ये लोग अलाउड नहीं करते हैं इसलिए मम्मी नीचे रह गई, वो आ नहीं पाई ऊपर। तो हमारा लिफ्ट, अरे सॉरी, हमारा जो रूम है वो 3rd फ्लोर पे है, तो चलिए फटाफट चलते हैं। एटलीस्ट एक शीशा लगा देते लिफ्ट में, इतनी भी क्या वो थी। और फाइनली आई एम ऑन द 3rd फ्लोर, और ये रहा मेरा रूम। मेरे रूम में फ़िलहाल एक रूममेट है, मैंने रूम को देखा ठीक ठाक है। और ये रहा छोटा सा खिड़की का व्यू जो कि अच्छा है, बालकनी तो नहीं है बट खिड़की है। हॉस्टल अलॉट हो गया और हम लोग आ गए, और मेरी माँ रोने लगी क्योंकि उनको हॉस्टल देखने जाने नहीं दिया गया रूम ना। मैं देखिए एक बार, इतना शिद्दत से मत खाइए, क्यों रो रही थी? आप ही रोएंगी दी, आप नहीं रोएंगी, आप क्यों रोएंगी, आपको तो छोला समोसा चल रहा है। और यहाँ मम्मी थोड़ा थोड़ा रोना शुरू हो गई थी क्योंकि ओबियसली अब जाने का टाइम आ गया था। फिर मैंने मम्मी लोगों को ड्रॉप करा थोड़ा सा मिलने जुलने, बाय दीदी बाय बोल के मैं आ गई थी वापस। तो मम्मी तो चली गई, उनको छोड़ दिया मैंने बाहर तक, फिर वापस वो ट्रेन से घर चली जाएंगी, दीदी थी साथ में। और मैं आ गई वापस से हॉस्टल जेल में फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है देखते एक्सपीरियंस कैसा होता है। थोड़ा सा ख़राब लग रहा है बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अभी मैंने चेंज नहीं करा, मैं फ्रेश फ्रेश होके बैठ गई कि थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, और थोड़ा बहुत मैंने अनपैक करके जो सब रख दिया वो मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाऊँगी, फिर हम लोग मेस जाएंगे वो दिखाऊँगी बस। सो दिस इज़ माई कबर्ड अभी के लिए, इसके अंदर मैं नहीं दिखाऊंगी, मैंने मेस नहीं करा बट स्टिल। और ये बेड है, पिल्लो इन लोगों ने प्रोवाइड नहीं कराया। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मिरर, जो कि मैं कहीं लगा दूंगी, अभी फ़िलहाल जगह पता नहीं है। एंड ये रहा हमारा टेबल चेयर, तो फ़िलहाल यही सेटअप है हमारा। और ये बेड, इतने दूर में इतनी सी दुनिया है मेरी, बस अभी देखते आगे क्या होता है। और आज खाने में है, मेरा दिन चप्पल मुझे गुलाब जाम मिल गया, साथ में मशरूम और मटर की सब्ज़ी एंड रोटी। और ये हमारे कुछ लाइफ के कांस्टेंट लोग जिनको ऑब्वियसली हॉस्टल दिखाना था, तो वही कर रही थी मैं। आई एम बैक फ्रॉम द मेस, और बहुत ज़्यादा खाली क्योंकि मांगी थी 3 रोटी, उन्होंने दिया मुझे 4 रोटी।
तो इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। इसे क्या अच्छा लगेगा बट नहीं भी लगेगा तो भी कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।